मॉक अभी लगाऊं या नहीं लगाऊं, पहले सिलेबस खत्म कर लेता हूँ यार, बाद में लगा लूंगा। अब ये नंबर अच्छे नहीं आएंगे ना, तो बाद में लगा लूंगा। एक काम करूँ, पहले सिलेबस खत्म कर लेता हूँ, या फिर जब मुझे लगे कि मैं मॉक देने के लायक हो गया हूँ तब मॉक लगाऊंगा। अगर अभी मॉक में नंबर कम आएंगे तो मैं फिर अपने आप को फेस कैसे कर पाऊंगा, ब्ला ब्ला ब्ला। तो बहुत सारी चीज़ें होती है मॉक को लेके कि कब लगाएं कैसे लगाएं। आप लोग पूछ भी रहे होते हो मुझसे कि आपने कब लगाया था, कैसे लगाया था, कितने नंबर थे, कब लगाना चाहिए। तो आज इस वीडियो में सब इसी सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो मेक श्योर कि वीडियो एंड तक देखना। तो चलो लेट्स बिगिन। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हो सब, आई होप कि सब ठीक हो। एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल तो लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। माय नेम इज प्रशांत एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीजीएल मेनली। तो बिफोर हेडिंग टू आवर मेन टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट क्वेरी है जो बहुत लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वो है कि भाई आप कौन सा एडिटर यूज़ करते हो, भाई आप अपनी वीडियोज़ कैसे एडिट कर रहे होते हो। मैं बहुत बार बोल भी चुका हूँ कमेंट सेक्शन में, बट मैं फिर से एक बार यहाँ पे एक बहुत ही कम टाइम में आपको बता देता हूँ। जो मेरा मेन एडिटर है लैपटॉप पे, मैं मोबाइल की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, वो है मेरा वंडरशेयर डेमो क्रिएटर। डेमो क्रिएटर इतना इजी एंड हैंडी एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको इतना सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, इतने सारे ऑप्शंस फंक्शंस मिल जाते हैं। एज इन कि आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो, जैसे कि इस वीडियो में मैं आगे करने वाला हूँ, अपनी स्क्रीन को फ्रेम में ला के उसके बारे में डिस्कस करूँ, अपना मॉक नंबर दिखाने के लिए भी। एंड अगर इसकी वेबसाइट की बात करूँ तो इसकी वेबसाइट ही आप डायरेक्टली जाके ट्राइड फ्री पर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। एंड बहुत ही हैंडी एप्लीकेशन है, ज़्यादा लेंदी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा MB भी नहीं कंज्यूम करेगी आपकी, तो आप ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। एंड मेनली जो बात करते हैं स्टूडेंट गाइड, जैसे कि हम स्टूडेंट हैं, आप भी स्टूडेंट ही ऑफकोर्स, तो जो आप ऑनलाइन लर्निंग कैसे करनी है इस एप्लीकेशन पे, आप पूरी एक्सप्लेनेशन है, आप कैसे अपना ट्यूटोरियल बना सकते हो, गेम रिकॉर्डिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, अपनी ऑनलाइन क्लासेस कैसे ले सकते हो, तो वेरियस वेरियस चीज़ें आप पे सारी चीज़ डिस्कस की हुई हैं। ये डाउनलोड होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, आप इसको वेबसाइट का लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से आगे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे में आपको दिख रहा होगा न्यू रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डर, तो मेनली मैं रिकॉर्डिंग पर नहीं जाता हूँ, वीडियो रिकॉर्डर पर जाता हूँ बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्ड चल रही है। तो आपको वेरियस वेरियस वो मिल जाएंगे, आप यहाँ अपनी वीडियो एडिट कर सकते हो डायरेक्टली, यहाँ से इंपोर्ट करके अपनी जो भी डेस्टिनेशन है वहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, सेलेक्ट करके तो आ ही जाती है। तो ये आ चुकी है मेरी वीडियो, ये एक पहली वीडियो का मेरा इंट्रो था, जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी तो वो मैंने डाल दी है। इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो डायरेक्टली या फिर यहाँ पे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपकी फैसे सेटिंग हो जाएगी। एंड अगर मैं इसके फंक्शंस की बात करूँ तो आप वेरियस स्टाइलिश कैप्शन भी डाल सकते हो अपनी वीडियोज़ को थोड़ा स्टाइलिश दिखाने के लिए। एंड आप स्टिकर्स एंड एनिमेशंस भी डाल सकते हो, एज इन कि आप ये देख रहे हो कि ट्रांजिशंस, वेरियस ट्रांजिशन मिल जाते हैं जो आपकी वीडियो को इतना स्टाइलिश लुक दे देते हैं कि वो देखने में बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग जाती हैं। इफेक्ट्स अपनी वीडियोज़ में आप ग्रीन स्क्रीन डाल सकते हो, जूम जूम आउट कर सकते हो, एंड स्क्रीन पर अगर रिकॉर्ड करते टाइम जो कर्सर होते हैं उसके हाईलाइटेड एरियाज होते हैं वो कर सकते हो आप, एंड जो सिनेमैटिक लुक हैं एज इन की जो ये इफेक्ट्स होते हैं, टेम्पलेट्स होते हैं, ये आप डाल सकते हो, वेरियस वेरियस चीज़ें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आप इसको डाउनलोड करते हो और अपने फ्रेंड्स को रेफर करते हो तो आपको 21 डेज का फ्री लाइसेंस मिल जाता है। सो लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके इसको जरूर डाउनलोड करें, बहुत ज़्यादा हैंडी एप्लीकेशन है। एनीवेज लेट्स मूव टू माय मेन टॉपिक, मॉक्स। मॉक्स कब लगाने चाहिए, क्या इसका एक्यूरेट टाइम है मॉक्स का? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जितना सीखा है अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जितना भी मैंने प्रिपरेशन टाइम रहा है मेरा, जितनी चीज़ें मैंने सीखी हैं, तो सबसे पहली चीज़ थी जो मैंने गलती नहीं की थी कि मैंने मॉक नहीं लगाया हो या फिर अपनी सिलेबस ख़त्म करने के बाद लगाया हो, ऐसी गलती मैंने नहीं की थी। तो जैसे ही मुझे CGL की प्रिपरेशन का मैंने डिसाइड किया तो मुझे पता था कि मुझे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले अपना लेवल चेक करना है, तो वो चेक करने के लिए मैंने मॉक टेस्ट दिया। एंड मुझे पता नहीं था कौन सी मॉक है, क्या देनी है, बिकॉज मैं न्यू था इस पूरी प्रिपरेशन जर्नी में, क्या कौन से मॉक होते हैं, क्या प्रिपरेशन है, कैसे होगी, कुछ नहीं पता था। बस मुझे, मैंने मॉक डाल दिया था, आगे जो फर्स्ट वेबसाइट शो हुई थी मैंने उस पर मॉक दिया था। आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अपनी प्रिपरेशन अगर आप शुरू करना चाहते हो, बहुत सारे मुझ पर क्वेरीज आ रही होती कि भैया मैं शुरू करना चाहता हूँ कैसे करूँ, या फिर मुझे मॉक देना चाहिए प्रिपरेशन के बाद दूँ, सिलेबस ख़त्म कर लूँ वगैरह वगैरह। तो भाई अगर आपको प्रिपरेशन शुरू करनी है, फॉर एग्जांपल कल से शुरू करनी है, एक हफ्ते बाद शुरू करनी है, तो आज मॉक दे के देख लो कि आप कहाँ से एंड कर रहे हो। जैसे कि ये डिपेंड कर रहा होता है, किसी की GS स्ट्रांग होती है पहले से ही, बिकॉज वो उसका एजुकेशनल बेस इतना बिल्डअप होता है कि उसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उसको एक पर्टिकुलर एरिया मिल जाता है कि GS स्ट्रांग है तो मैथ्स वीक होगी, मैथ्स स्ट्रांग है तो इंग्लिश वीक होगी। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं
जो हर बंदे की अलग अलग वेरी कर रही होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं तो जब मैंने मॉक दिया था तो मेरे इतने ह्यूमिलेशन वाले नंबर थे, अगर मैं आप देखूं तो, तब तो मुझे वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। बट एज इट इज़ हमें पता नहीं था सिलेबस का, मुझे नहीं पता था क्या टॉपिक्स हैं, क्या सिलेबस है, क्या मुझे प्रिपरेशन कितनी है, क्या है, कुछ नहीं पता था। तो चलो शुरू करते हैं, अपनी पूरा दिखाऊंगा मेरे किस सेक्शन में कितने मार्क्स हैं, तो लेट्स गो। तो ये है मेरा पहला मॉक जो मैंने लगभग 2 साल 2.5 साल पहले लगाया था, जो कि है इसकी डेट मैं आपको दिखाऊँ, 18th of December 2018। एंड मेरा जो स्कोर मैंने किया था वो है मेरा 50 out of 200। तो यस, यही मेरा स्कोर था, इसको लेके मैं बहुत खुश हुआ था, बिकॉज ये भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड जो परसेंटाइल थी ऑफकोर्स 37%, एंड रैंक तो खैर भूल ही जाओ। एंड अगर हम स्पेशल सब्जेक्ट्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी बात करता हूँ, यार लैंग्वेज मुझे नहीं पता है क्या हुआ, बिकॉज ये मैंने मेल से निकाली है ये पूरी की पूरी इमेज, जो कि PDF में थी। आई डोंट नो उसके साथ क्या एरर हुआ क्या नहीं हुआ, कह रहा मैं दिख रहा है ये इतना तो प्रॉपरली जनरल इंटेलिजेंस जो कि है हमारी रीजनिंग। इसमें मेरे 26.5 नंबर थे, जिसमें कि मेरे 14 सही हैं आउट ऑफ 25। तो ये काइंड ऑफ ठीक है, बिकॉज इनकरेक्ट बहुत कम है इसमें मेरे, एटलीस्ट उस टाइम पे तो मेरे ये कम ही थे, 3 तो इतने ज़्यादा नोटिसेबल है भी नहीं। एंड जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में भी ये तुक्के ही मारे होंगे मैंने, आई एम श्योर, जिसमें मेरे 8 नंबर हैं। एंड मैथ्स की तो भूल जाओ, बिकॉज मैथ्स में मैंने आपको बताया मैंने NCERT से शुरुआत की है, दैट मीन्स कि मेरा वो लेवल 0 ही था। तो आई डोंट नो ये मैंने कैसे करके इसमें 4 नंबर स्कोर किए हैं, मुझे नहीं पता, आपको दिख रहा हो यहाँ पे मैंने 5 मिनट लगा के 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं जो कि सही भी हैं, तो हाँ जी। एंड इंग्लिश की बात करूँ यहाँ पे तो इंग्लिश में मेरे 11 नंबर हैं ऑफकोर्स, जिसमें कि मेरे 14 इनकरेक्ट हैं, फिर से मैं मेंशन कर दूं 14 मेरे इनकरेक्ट हैं एंड सिर्फ 9 क्वेश्चन ठीक है। सो मेरी एक्यूरेसी देख लो आप कितनी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये था मेरा पहला मॉक। एंड अगर इसमें कंपैरेटिवली आज की मॉक की बात करूं जो मैं अब लगा रहा होता हूं, तो ये है मेरा वो स्कोर 142.5, जो कि मैंने आपके साथ ही ऑनलाइन मॉक दिया था आपके साथ ही, जो कि प्रीवियस ईयर था ऑफकोर्स। एंड जो मैं अब ये स्कोर मेरे लिए मैटर नहीं कर रहा होता, बिकॉज जो मेरा मैटर कर रहा होता वो है परसेंटाइल। पहले तो ये बता दूं कि मैं इसी मॉक के मार्क्स शेयर क्यों कर रहा हूं, बिकॉज क्योंकि मैं नंबर इसमें 142.5 है ये नहीं है, ये इसके मुझे मतलब नहीं है, फिर मेरी रैंक 1000 के अंदर है इसका भी मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मेरी परसेंटाइल, बिकॉज आज से पहले अब तक मेरी 95% कभी टच नहीं हुई है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज मैं एक एवरेज स्टूडेंट ही हूँ बहुत सारे लोगों की तरह, मैं कोई टॉपर या जीनियस नहीं हूँ। तो यस, इसलिए मैं इस मॉक को पर्टिकुलरली शेयर कर रहा हूँ। तो ये है मेरे इन दोनों का डिफरेंस 142.5 एंड यहाँ पे 50। सो आई होप कि मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे एंड थोड़ा बहुत आपको मेरे नंबर दे के मोटिवेशन मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी मोटिवेशनल या फिर हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाना एंड कमेंट करके मुझे अपनी थॉट ज़रूर बताना, बिकॉज मैं आपके कमेंट्स पढ़ ही रहा होता हूँ। एंड चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करके चले जाना, इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, फ्री टू सब्सक्राइब। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं आपको मिलूंगा नई वीडियो में एंड थोड़े सरप्राइजेज हैं वो भी आपके साथ धीरे धीरे मैं आपके शेयर करूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ध्यान रखना अपना, टेक केयर, बाय।